वेलकम टू माय चैनल। आज हम शेयर करेंगे चटपटे चटकारेदार वेज समोसे। तो आइए देखते हैं। वेज समोसे बनाने के लिए हम एक पतीले लेंगे जिसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने पर इसमें हम 4 स्प्रिंग ऑनियन की प्याज चॉप करके ऐड करेंगे। प्याज थोड़ी सी नरम होने पर इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप फ्रेश मटर। 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट का कच्चापन दूर होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हम स्लो पे रखे हुए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप चॉप कीवी स्प्रिंग ऑनियन, साथ ही ऐड करेंगे 1 कप सोया जिसे सेपू भी कहा जाता है, इसे भी चॉप करके ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वन फोर टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून भुना हुआ धनिया जीरा पाउडर। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। पूरी तरह कुक नहीं करना है, करीब 80 से 90% ही कुक करेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। चाट मसाले में भी हमारे नमक है, इसलिए नमक हमेशा टेस्ट के हिसाब से ले। 3 बॉयल आलू लिए हुए जिसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमने काट के लिया हुआ है। अब इसे ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। आलू का मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक बाउल में हम 2 टेबलस्पून मैदा लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हमने पेस्ट बना लिया। समोसा पट्टी लेंगे, एक शीट को इस तरह से लेंगे और कॉर्नर को मिलाते हुए हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से समोसे का मिक्सचर हम इसमें रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। अच्छी तरह से कोने मिलाते हुए फोल्ड करेंगे। अब मैदे का जो पेस्ट बनाया हुआ था इस तरह से पेस्ट लगा देंगे साइड से, अंदर से, और अंदर की ओर इस तरह से पेस्ट करेंगे ताकि जब हम समोसे फ्राई करें तो हमारे तेल में समोसे खुले ना। उसी तरह से समोसे की पट्टी लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे कोने मिलाते हुए, समोसे का मिक्सचर रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे और इस तरह से चेक करेंगे ये कोने खुले ना हो। अब इस पेस्ट को ऊपर लगा देंगे इस तरह से साइड से, अंदर की ओर से, और अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से ऑयल में समोसे खुलते नहीं हैं। तो सारे समोसे हमने इस तरह से बना लिए। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें समोसे ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और समोसों को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और इसे इस तरह से टर्न करेंगे। उसी तरह एक साइड से भी फ्राई करके निकालेंगे।
तो समोसे हमारे इस तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से सारे समोसे हम बना लेंगे। तो चटपटे चटकारेदार वे समोसे हमारे रेडी है। देखिए कितने क्रिस्पी और अंदर से टेस्टी चटपटे चटकारेदार समोसे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।